Hey guys, welcome back to my channel. Enjoy CCC Creative Cooking Channel by Priya. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खिला खिला वेजिटेबल पुलाव बनाने की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, केवल दो टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप इनको फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली हर बार आपका पुलाव ऐसे ही खिला खिला बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आज का वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप खिला खिला पुलाव किस तरह से बनाते हैं। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। खिला खिला वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए मैंने एक कुकर में ऐड किया है 1 टीस्पून घी। कुछ वेजिटेबल्स ली हैं जैसे कि बीन्स, गाजर, शिमला मिर्च और प्याज। अगर आपके पास और भी वेजिटेबल्स हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब कुकर में हम ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले जैसे कि 2 तेज पत्ता, 3-4 काली मिर्च, 2-3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1/2 टीस्पून सहजीरा, उसी के साथ 1 काली इलायची, 1 चक्रफूल। और जैसे ही ये सारे खड़े मसाले पक जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। ध्यान दीजिए, वेजिटेबल्स को भी आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, बस जस्ट सौते करना है, क्योंकि पुलाव में जो थोड़ा सा क्रंच आता है वेजिटेबल्स में वो बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऐड किया है प्याज, और प्याज को हम लाइट पिंक होने तक पका लेंगे। अभी सौते करते हुए 2 मिनट हुए हैं, उसके बाद मैंने बीन्स ऐड की हैं एंड जो गाजर हमने कट करके रखी हुई थी उनको भी ऐड कर दिया है। बीन्स और गाजर स्टार्टिंग में ऐड करने का पर्पस ये है कि पकने में थोड़ा सा समय लेती हैं। और लास्ट में हमने इसमें ऐड की है कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, इसको भी हम 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। और अगर आपके पास पनीर है तो पनीर भी ज़रूर ऐड कीजिए, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, और इसको भी 2 मिनट के लिए सौते कर लीजिए। नाउ द फर्स्ट टिप कि जब भी हम पुलाव बनाते हैं तो पुलाव का चावल कभी भी आपको पहले से भिगोकर नहीं रखना है, केवल चावल को वॉश कीजिए और जब तक आपकी सब्जियां पक रही हैं तब तक चावल थोड़े गीले रहेंगे और उसके बाद सब्जियों में ऐड कीजिए चावल। मैंने लिया है यहाँ पर 2 कटोरी चावल। और हमेशा जब भी आप पुलाव बनाते हैं तो चावल को नाप कर ही लीजिए। इसके बाद मैंने ऐड किया है नमक और थोड़ा सा गर्म मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। नाउ द सेकेंड टिप की पानी का रेशो। हमने 2 कटोरी चावल लिए थे इसीलिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे 3 कटोरी पानी, यानी कि 1 कटोरी चावल के लिए 1.5 कटोरी पानी। ये एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है, मेरी मम्मी आज तक हमेशा इसी मेज़रमेंट से बनाती हैं और वही मैंने भी सीखा है और ये बिल्कुल परफेक्ट बनता है। बस केवल ये 2 टिप्स फॉलो कीजिए, 1 कटोरी चावल के लिए 1.5 कटोरी पानी, और सेकंड कि कभी भी पुलाव के चावल आपको पहले से भिगोकर नहीं रखने हैं, हाथों हाथ वॉश कीजिए और तुरंत ही इसको कुकर में डाल दीजिए। अब हमने कुकर की लिड लगा दी है और हम इसमें 1 सीटी लेंगे हाई फ्लेम पर और फिर फ्लेम को लो कर देंगे, देन 1 सीटी लेंगे लो फ्लेम पर। 2 सीटी लगने के बाद लुक एट दिस, कितना बढ़िया पुलाव बनकर तैयार हुआ है। सीटी का प्रेशर रहने दीजिए, मीन्स कुकर में जो प्रेशर है वो रहने दीजिए, जब वो ठंडा हो जाए तब हम कुकर की लिड हटाएंगे एंड लुक एट दिस, है ना एकदम खिला खिला, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही खिला खिला बनता है। ये बासमती चावल है तो जब भी आप पुलाव बनाते हैं तो बासमती चावल का यूज़ कर सकते हैं। और फिर आप इसको सर्व कीजिए कुछ इस तरह से, कितना कलरफुल लग रहा है और टेस्टी बहुत ज़्यादा बना है। मैं अपने हस्बैंड के ऑफिस में रख कर देती हूँ तो मेरे हस्बैंड को तो मुश्किल से 1 या 2 स्पून ही मिलता है, सारा का सारा उनका टिफिन बॉक्स उड़न छू, क्योंकि इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप भी लंच में ये दे सकते हैं, अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं एंड बच्चों के टिफिन में भी काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंटिल देन बाय बाय।